आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें कमल्स किचन को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज मैं बना रही हूँ क्लब सैंडविच। रेड पेपर है और ये ब्लैक पेपर पाउडर, ये ब्लैक पेपर पाउडर है, 1-2 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर और 2 टेबलस्पून ही क्रश रेड पेपर, ये मैं यूज़ करूँगी आज सैंडविचेस बनाते हुए। दिस इज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये यूज़ करूँगी मैं आज। अभी अंडों को बॉयल करूँगी और चिकन को बॉयल करूँगी। ये चारों सॉसेस मिला के, इसी मैंगो हैबनारा सॉस भी मिलाया, डिपेट का क्रश रेड पेपर 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून ऑफ रेड पेपर पाउडर, स्पाइसी मैं हूँ, और ये टमाटो केचप, और इसके अलावा ये क्लासिक मैं हूँ, 2 टेबलस्पून ऑफ क्लासिक मैं हूँ, ये मिला के, और ये मैंने सॉस तैयार कर ली है। ये सॉस बन गई है, पांचों को ये मेयोनीज, स्पाइसी मेयो और क्लासिक मेयो को मिला के मैंने सॉस बना ली है। तो अभी ये मैं ब्रेड पे लगा के असेंबल करूँगी और कबाब भी तलूँगी। जो अंडे हैं वो बॉयल हो गए हैं, ये देखें, अंडों को बॉयल करने रख दिया था, अंडे बॉयल हो गए हैं, फिर इसको मैश करके मिक्स करूँगी इस तरह। और ये चिकन जो है बॉयल हो रही है, ये चिकन देखें बॉयल हो रही है, अभी मैं इसको भी थोड़ा सा ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी, ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ डाल के, और फिर मैं ये आपको सैंडविचेस में असेंबल करके दिखाती हूँ। और सैलड भी साथ डाली है, सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। ये अंडे भी बॉयल हो गए थे तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज डाला है और काली मिर्चें डाली हैं, और इसको मिक्स कर लिया है। ये फिलिंग तैयार हो गई है और सैंडविचेस की, और ये भी इसमें भी ये स्पाइसी मेयो डाला है ये वाला, और टमाटो केचप और स्पाइसी मेयो और क्लासिक मेयो दोनों डाल के और मिक्स करूँगी मैं इनको, मिक्स करूँगी इसको साथ मिक्स कर देती हूँ। तो ये भी सैंडविच की फिलिंग जो है तैयार हो जाएगी, ये भी तैयार हो गई है। और ये मैश कर लिया था कबाबों को, फ्राई करके मैश कर लिया है, ये भी फिलिंग तैयार हो गई है। और ये टमाटो स्लाइसेस, खीरे के स्लाइसेस, और ये कुछ बंद गोभी है, बंद गोभी और प्याज, और ये, और अब मैं जो है सैंडविचेस को ये फिलिंग डाल के सैंडविचेस तैयार करूँगी। और ये सॉस मैंने पहले ही बना ली थी, इसमें मैंने ये स्पाइसी मेयो, क्लासिक मेयो और मैंगो, ये डिपिट की मैंगो हबनारो सॉस डाली है, और थोड़ी सी मैं ये हॉट सॉस भी डाल दूँगी रेड कलर की, रेड सॉस, तो ये सॉस भी तैयार हो जाएगी। ये अब मैं ये सॉस लगा रही हूँ, ये जो सॉस तैयार की थी मैंने, ये मैं लगा रही हूँ इसमें। ये लगा लिए तो अब मैं इसमें ये अंडे की फिलिंग जो है, ये अंडे की फिलिंग डालूंगी मैं इस पे। ये देखें ऐसे, ये 2 टेबलस्पून इसमें भर के अंडे की फिलिंग लगा ली, ये अंडे की फिलिंग इसमें लग गई। और इसको ऐसे ये कवर कर दिया। अब ये सेकंड लेयर, अब इसकी सेकंड लेयर पे मैं अब ये वही सॉस जो है तैयार की थी मैंने, वो मैं अब लगाऊंगी। तो फिर थर्ड लेयर, अब मैं इसकी जो है कबाबों की लेयर लगाऊंगी इस पे। ये ठीक
ये अब मैं कबाबों की लगा रही हूँ इस पे, ये देखें अब इस पे कबाबों की ये लगा दी लेयर। ये और ले लें अगर जगह बचती है तो, ये और ये कबाबों की लेयर लग गई, इसको भी बंद कर दिया। थोड़ा सा तो इसको काट लें आप इसको ऐसे, और ये वाली ये भी लेयर लगा दी हमने ये इस पे, और फिर मैं इसमें ये सॉस लगाऊंगी। आई होप आपको नज़र आ रहा है, ये मैं देखें ये एक और ये थर्ड लेयर में लगा रही हूँ। अब मैं चिकन की लगाऊंगी, ये अब ये सॉस लगा है, और ये चिकन की जो है इस तरह चिकन की लेयर लगाई हमने, और ये चिकन की लेयर लगा दी, ये इस तरह में ये चिकन की लेयर लगा दी हमने सारे में, और ये मैं अब जो है एक ये टमाटर की भी लगाऊंगी ये, और इस तरह ये बंद गोभी, एक और खीरा, खीरे और टमाटर की लेयर लगानी है, और ये ऐसे इसको बंद कर देना है। इसको बंद कर देंगे और मैं इसको इधर फ्राई करती हूँ। ये एक बन गई है हमारी, इतना बाकी और देखें अब फ्राई कर लिए थे मैंने हल्का सा, बस इसको फ्राई हल्का सा फ्राई करना है, तो ये इस तरह की शेप ये बन जाएंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तैयार हो गए और सर्व करें इनको चिप्स के साथ, और भी लेके चिप्स के साथ सर्व करें। शेयर माय रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।